आप सभी लोगों ने एयरप्लेन्स और शिप्स के गायब हो जाने के किस्से तो जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि साल 1911 में इटली में एक पूरी की पूरी ट्रेन ही जिसमें 106 के करीब पैसेंजर भी मौजूद थे अचानक से कहीं गायब हो जाती है, जिसके बाद इस ट्रेन को ढूंढने के लिए कई इन्वेस्टिगेशन भी करी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो ये ट्रेन कभी मिल पाती है और ना ही उस ट्रेन में मौजूद 106 पैसेंजर का कुछ पता लग पाता है। लेकिन वहीं इंटरनेट पर इस ट्रेन से जुड़ी कई कंस्पिरेसी थ्योरीज मौजूद है कि ये ट्रेन असल में टाइम लूप में कहीं फंस गई, इस वजह से इस ट्रेन को कई बार अलग अलग समय में रशिया, इंडिया, जर्मनी, रोमेनिया और यहाँ तक कि मेक्सिको जैसे देश में देखा गया था। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार एक पूरी की पूरी ट्रेन ही कैसे गायब हो गई, और अगर हो भी गई थी तो उसे दूसरे देशों में कैसे देखा गया। इस सफर की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 113 साल पहले, जब इटली में जेनेटी नाम की एक ट्रेन कंपनी 102 पैसेंजर्स और अपने 4 स्टाफ को अपनी नई ट्रेन की फ्री राइड प्रोवाइड करने का फैसला करती है, और 14 जून 1911 को ये ट्रेन अपनी 3 बोगियों के साथ जिसमें 106 के करीब पैसेंजर बैठे हुए थे वो रोम से अपना सफर शुरू करती है। और शुरुआत में तो ये जर्नी एक आम सफर की तरह ही शुरू होती है, लेकिन शायद ही इस ट्रेन में बैठे पैसेंजर को ये पता था कि इनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी, क्योंकि इस सफर के दौरान ही इस ट्रेन को पहाड़ों के बीच मौजूद लोम्बार्ड नाम के टनल से गुजरना था। ये लोम्बार्ड टनल असल में उस टाइम का बनाया गया सबसे बड़ा टनल में से एक था, लेकिन जैसे ही ये ट्रेन लोम्बार्ड टनल के अंदर लगभग हाफ माइल्स की दूरी पर पहुंचती है तो अचानक से कुछ ऐसा होता है कि ये ट्रेन हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। हालांकि उस टाइम पर मौजूद आई विटनेसेस ने इस ट्रेन को रोम से स्टेशन छोड़ते और टनल के अंदर जाते तो देखा था, लेकिन किसी ने भी इस ट्रेन को उस टनल से वापस आते कभी भी नहीं देखा। इस एक्सीडेंट के बाद से ही रेलवे वर्कर्स और पुलिस उस टनल के अंदर और आसपास के हिस्सों पर सर्च ऑपरेशन चलाकर चप्पा चप्पा ढूंढ डालती है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो इस ट्रेन का कुछ पता चलता है और ना ही उस ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर का। इसके अलावा इस सर्च ऑपरेशन के दौरान इन्वेस्टिगेशन टीम को कोई क्रैश साइट तक नहीं मिलती, जिससे ये कहा जा सके कि असल में ये ट्रेन कहीं रास्ते में ही क्रैश हो गई थी। लेकिन काफी कड़ी मेहनत के बाद फाइनली जाकर सर्च टीम को उस ट्रेन पर मौजूद 2 पैसेंजर मिल जाते हैं, जो असल में ट्रेन के उस टनल के अंदर गायब होने से पहले ही ट्रेन से कूद गए थे, जिसके बाद जाकर वो दोनों पैसेंजर ही इन्वेस्टिगेशन टीम को उस दिन हुई अपनी खतरनाक जर्नी के बारे में बताते हैं कि जैसे ही ट्रेन उन पहाड़ों के बीच मौजूद टनल के पास पहुंचती है तो अचानक से अजीबोगरीब सफेद धुंध पूरी की पूरी ट्रेन को ही कवर कर लेती है, जिसकी वजह से उस ट्रेन में बैठे पैसेंजर तक परेशान होना शुरू हो जाते हैं, और इस वजह से ही ये पैसेंजर्स को ये अंदेशा हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, इसलिए दोनों फौरन ही उस ट्रेन से कूद जाते हैं। हालांकि जेनेटी रेलवे कंपनी उस टाइम पर इस इंसिडेंट को कवर अप करने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि इस एक्सीडेंट के बाद कंपनी का नाम और क्रेडिबिलिटी दोनों ही दांव पर लगी थी, लेकिन उसके बाद भी एक्सीडेंट उस टाइम पर कई न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनता है। उसके अलावा ये भी बताया जाता है कि उस दिन उस रेस्क्यूड पैसेंजर ने कुछ ऐसा देखा था जिससे वो इतना ज्यादा डर गए थे कि स्ट्रेस की वजह से उन्हें कई सालों तक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझना पड़ा था, लेकिन फिर भी किसी को ये नहीं पता था कि आखिरकार इस ट्रेन का क्या हुआ था। और वहीं वर्ल्ड वॉर टू के दौरान उस टनल पर एक बॉम्ब गिर जाता है, जिसकी वजह से ही ये टनल हमेशा के लिए बंद हो जाता है और इस टनल पर वापस से कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता। लेकिन एक दिन अचानक से ही ट्रेन में खोए पैसेंजर्स के एक रिलेटिव को पुराने स्क्रिप्चर्स और मिडिवल क्रॉनिकल्स पढ़ते हुए एक टेस्टिमनी मिलती है। ये टेस्टिमनी असल में मॉडर्ना मोनेस्ट्री में प्रिजर्व करी गई थी, जिसमें ये लिखा था कि एक दिन एक ट्यूब जैसा दिखने वाला एक मेटल चैरियॉट, जिसके पीछे 3 छोटे चैरियॉट लगे थे और उसमें से काला धुआं निकल रहा था, उसके अंदर से 3 बेयर्डलेस अजीब स्ट्रेंज कपड़े पहने हुए शैतान के वंशज निकलते हैं। उस मॉनेस्ट्री के मॉन्क के हिसाब से ये शैतानी लोग जो कपड़े पहने हुए थे वो बिल्कुल भी उस टाइम के नहीं थे। इसके अलावा वो लोग मॉनेस्ट्री के अंदर आने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वर्जिन मैरी की ब्लेसिंग की वजह से वो उस मॉनेस्ट्री के अंदर घुस नहीं पाते। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस एंशिएंट मिडिल एजेस में लिखा गया ये मैन्युस्क्रिप्ट असल में जिस वाहन को ही मेटल चैरियट बोल रहा था, उस टाइम पर उस तरह की कोई भी सवारी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी जैसा कि मैन्युस्क्रिप्ट में बताया गया था। तो उसका मतलब शायद ये था कि ये मेटल चैरियट असल में एक ट्रेन ही थी जो वक्त में कहीं पीछे चली गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार एक ट्रेन मिडिल एजेस में कैसे पहुंच सकती है।
तो क्या सच में ये वही ट्रेन थी जो टनल से गायब होकर वक्त में कहीं पीछे चली गई थी? अब आप भले ही ये सोच रहे होंगे कि मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था कि इस लॉस्ट ट्रेन से जुड़ी घटना सिर्फ एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट तक ही सीमित थी। पर इसी की तरह ही इस ट्रेन से जुड़ा एक और किस्सा लोगों के सामने आता है, वो भी अलग टाइम का, कि साल 1845 के करीब उस ट्रेन में मौजूद 104 मिसिंग पैसेंजर्स को मेक्सिको में देखा गया। इस रिपोर्ट के हिसाब से साल 1926 में किसी शख्स को पुरानी आर्काइव को रिसर्च करते वक्त साल 1845 का एक रिकॉर्ड मिला था, जिसके हिसाब से एक दिन अचानक से मेक्सिको में 104 इटालियन लोग दिखते हैं, जिसमें से सभी ये कंफर्म करते हैं कि वो रोम ट्रैवल कर रहे थे और पता ही नहीं वो अचानक से यहाँ कैसे आ गए। इसके अलावा इस किस्से में भी उन सभी 104 लोगों के कपड़े उस वक्त के हिसाब से नहीं थे, बल्कि उनमें से एक पैसेंजर के पास एक टोबैको बॉक्स था जिसमें 1907 की डेट प्रिंटेड थी। इन सभी 104 इटालियन लोगों की बात सुनकर मेक्सिको के लोकल लोग उनको पागल समझकर उन्हें साइकाइट्रिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। और जो रिकॉर्ड जिस शख्स को मिला था वो भी असल में उसी हॉस्पिटल का ही रिकॉर्ड था। इसके अलावा आज भी 1907 का ये टोबैको बॉक्स मेक्सिको में प्रिजर्व करके रखा गया है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं था कि ये घोस्ट ट्रेन जो 1911 में गायब हुई थी उसने सिर्फ अपने वक्त से पीछे ट्रैवल किया था, बल्कि कई किस्सों में तो ऐसा भी हुआ था जिसमें इस ट्रेन ने फ्यूचर में भी ट्रैवल कर लिया था। जिसमें से एक बार तो इस ओल्ड फैशन ट्रेन को 29 अक्टूबर साल 1955 के करीब यूक्रेन के ज़वालकी गांव के करीब देखा गया था। इसके अलावा इस ट्रेन को रशिया, इंडिया और जर्मनी में भी देखा गया था। और इस इंसिडेंट के बाद सभी आई विटनेस का यही कहना था कि उन्होंने एक अजीबोगरीब ट्रेन को देखा था जिसके पीछे 3 कंपार्टमेंट लगे थे और सभी कंपार्टमेंट की विंडोज कर्टन से बंद भी थे, लेकिन अचानक से ये ट्रेन कहीं गायब हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या आखिरकार ये ट्रेन सच में टाइम लूप में फंस गई थी? इसी वजह से ये ट्रेन एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह देखी जा रही थी। लेकिन वहीं इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि काफी फेमस साइंटिस्ट के हिसाब से टाइम ट्रैवल असल में सच में मुमकिन है, लेकिन उसके लिए या तो हमें लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना होगा और या फिर इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड से गुजरना होगा, तभी जाकर टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। अब इस बात का तो पता नहीं लगाया जा सकता कि जिस दिन ये ट्रेन गायब हुई थी या इसने टाइम ट्रैवल का सफर शुरू किया था उस दिन असल में टनल के अंदर क्या हुआ था जो ऐसा पॉसिबल हो पाया, लेकिन आज तक इसका जवाब किसी को भी पता नहीं लग पाया। इसके बावजूद भी इस ट्रेन को एक बार फिर से आखिरी बार साल 1991 में पोल्टावा नाम की जगह पर देखा गया था। वहीं काफी लोगों का ये कहना था कि इस बार जब इस ट्रेन को देखा गया था तो उस जगह पर एक साइंटिस्ट जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टडी कर रहे थे वो भी मौजूद थे, और आई विटनेसेस के हिसाब से वो इस ट्रेन को देखते ही इसके अंदर कूद गए थे, जिसके बाद से ही आज तक कभी भी ना तो उस ट्रेन को दोबारा से देखा गया और ना ही उस साइंटिस्ट का कुछ पता लग पाया। अब आपको क्या लगता है कि असल में इस ट्रेन का गायब हो जाना क्या सच में एक टाइम ट्रैवल इंसिडेंट था, या फिर ये सिर्फ एक अफवाह ही थी जिसने फैलते फैलते एक मिस्ट्री का रूप ले लिया था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।